आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता के भोग के लिए सूजी का हलवा। आप सोच रहे होंगे कि सूजी का हलवा किसको नहीं बनाना आता है, लेकिन जो ये हलवा हम आपको आज बनाकर दिखाने वाले हैं ये तिहाला हलवा है। तिहाला मतलब जितना सूजी उतना घी और उतना ही चीनी, तीनों की क्वांटिटी एक बराबर है, तो इसे कहते हैं तिहाला हलवा। तो चलिए हम बनाते हैं तिहाला हलवा माता के भोग के लिए। पहले हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में हम ये घी डालेंगे। ये देसी घी है, आप देसी घी में हलवा बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही माता के प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो इसलिए देसी घी का यूज़ करेंगे। में ये जो सूजी लिया था हम इसी में डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे हम सूजी को भून लेंगे। इस सूजी को हम बराबर चलाते रहेंगे, इसको छोड़े नहीं, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। और जितना हमने सूजी लिया था उसके तीन गुना ये हम पानी डालेंगे। ये देखिए सूजी अच्छी तरह से हमारी भूनकर ये तैयार हो गई। इसी में हमने ये बादाम काट के रखा था तो दाल में ये भी भून गया। और ये किशमिश पानी डाल, और अब हम चीनी डाल देते हैं, चीनी पाउडर। ये देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए नीचे से इसने तला छोड़ दिया है, ये देखिए चिकना हो गया है। ये देखिए हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए अष्टमी के अवसर पे ये माता के भोग के लिए हमने ये हलवा बनाया है सूजी का, तो आप इस अष्टमी के अवसर पे ये माता के भोग के लिए ये हलवा ज़रूर बनाएं। देखिए कितना ये प्रसाद का जो हलवा बनता है ये बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए घी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।